कैसे हो आप सभी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी आलू लौकी और चने के दाल की सब्जी, जो कि बहुत ही झटपट और टेस्टी बन के होता है रेडी और बहुत ही लाजवाब बनता है। तो इसकी रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैं चढ़ा रही हूँ कढ़ाई में, डाली हूँ ऑयल एंड ऐड की 1 टेबल स्पून के करीब जीरा एंड 2 लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता। अब इसे 1 से 2 बार चला लूंगी। अब इसमें ऐड करूंगी कुछ खड़े मसाले, इससे हमारे सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जैसे 1 इलायची को कूट के ली हूँ, दालचीनी, लौंग। अब इसमें ऐड कर रही हूँ रफली चॉप्ड किया हुआ लहसुन एंड अदरक। इसको हल्का लाइट ब्राउन होने दूंगी। फिर इसमें ऐड करूंगी ऑनियन। ऑनियन को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ली हूँ। इसे भी ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। तो देखिए, हमारा ऑनियन ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी कट किया आलू, जो कि मैंने पहले से ही कट करके धुल के रखी हुई थी। इसे मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। इसे भी 2 से 4 बार चलाते हुए फ्राई करेंगे। अब इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने पहले से ही बना के रखी थी। इसके साथ इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून नमक एंड 1 टेबल स्पून करीब लाल मिर्च पाउडर एंड दाल, जो कि मैं ओवरनाइट भिगो के रखी थी। चना का दाल आप चाहो तो 3 से 4 घंटे भी इसे भिगा के रख सकते हो। अब इसे मैं अच्छे तरीके से चलाते हुए सब्जी को भूनूंगी, जब तक कि हमारे सब्जी से थोड़ा तेल अलग ना हो जाए। मतलब 4 से 5 मिनट तक इसे फ्राई करूंगी, जिससे टेस्ट हमारे सब्जी का अच्छा आता है। अब इसे मैं कवर करके छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हो 5 मिनट हो गया है कंप्लीट और हमारे तेल भी अलग हो गया है। अब इसमें ऐड करूंगी कट किया हुआ कद्दू, इसे भी अच्छे तरीके से चलाते हुए भूनूंगी। आप जितना ज्यादा सब्जी को ना भूनोगे, उतना ही ज्यादा इसका टेस्ट अच्छा आता है। बहुत ही मजेदार बनके भी होता है रेडी। अब इसे कवर करके मैं छोड़ दूंगी फिर 2 से 3 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हो 2 से 3 मिनट हो गया है कंप्लीट और हमारा कद्दू भी फ्राई हो गया। मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टमाटर को मैंने रफली चॉप करके इसमें डाल रही हूँ। इसे भी चलाते हुए फ्राई करूंगी, जब तक कि हमारा टमाटर अच्छे से गल ना जाए, तब तक इसे सब्जी को मैं भूनूंगी। इसे कवर कर दूंगी 1 से 2 मिनट के लिए, जिससे टमाटर जल्दी गल जाए। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, हमारा टमाटर भी गल गया है और सब्जी भी हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। 2 से 4 बार मैं अच्छे तरीके से चला लूंगी, जिससे कि हमारी सब्जी नीचे की तली में सटे ना, चिपके ना। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 ग्लास के करीब पानी। पानी आप अपने अनुसार कम अधिक, जैसा आपको ग्रेवी रखना है उसके अनुसार आप कर सकते हो। अब इसमें डालूंगी मैं 1 टेबल स्पून के करीब गरम मसाला। ऐसे 2 से 4 बार अच्छे तरीके से चला लूंगी। इसे बीच बीच में मैं चलाते रहूंगी और चेक करूंगी कि हमारा आलू पका है कि नहीं। तो मैं इसे कवर करके छोड़ दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि आलू हमारा अच्छे तरीके से पक जाए, क्योंकि आलू को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो देखिए, 2 से 3 मिनट हो गया है कंप्लीट और हमारा आलू भी पक गया है। तो मैं चेक करके देखूंगी। तो देखिए, हमारा आलू पक गया है और सब्जी भी हमारा अच्छे तरीके से पक गया है। अब इसमें ऊपर से मैं ऐड करूंगी धनिया की पत्ती, इससे हमारी सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है।
तो फाइनली फ्रेंड्स हमारा सब्जी बनके हो गया है रेडी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, जिससे कि मैं और भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं। थैंक यू।